हम लेडीज सब मिलके और जब प्रोग्राम करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, यही सबसे अच्छा होता है। देखिए मैंने कहा था ना कि डिप्लोमेटिक हो जाएंगी आखिर, राजनीति हमारे अंदर वही अकुल बिल्कुल। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस टाइम पे हुई जब मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी देखो लड़की देखने चल रही हो। देखिए मैंने कहा था ना कि डिप्लोमेटिक हो जाएंगी आखिर, राजनीति हमारे अंदर वही अकुल बिल्कुल। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस टाइम पे हुई जब मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी देखो लड़की देखने चल रही हो आप, लेकिन है ना देखने की पहले ये बात कह लेना कि उससे ना तो धर्म के विषय में पूछना ना किसी पढ़ाई के विषय में पूछना, और आप है ना जाते उसको हाँ भर देना मुझे पसंद आ गई आप ना नहीं करोगे, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और मेरे ससुर साहब को भी उसने यही कहा, तो मेरे ससुर साहब ने ये कहा कि तुम मुझे पसंद कराने ले चल रहा है या तेरी पसंद से कर रहा है, नहीं नहीं पसंद आपकी है लेकिन मना मत करना। बहुत अच्छा वाक्य था उसके मेरी जिंदगी में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको पसंद आती उसने एक सेकंड में डिसीजन लेकर की और बहुत आपके साथ शेयर कर लिया बिल्कुल। कभी कोई चीज छुपाई नहीं, कभी कुछ चीज छुपाई नहीं इनके बच्चों ने, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप बताइए, 6 साल हो गए मुझे इस किट्टी को ज्वाइन किए हुए। बाकी इस किट्टी की खास बात है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं फर्स्ट पहले साल में बहुत रोई थी, इवन मुझे लग रहा था कि मैं सब लेडीज के साथ कोप अप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरे मुंह से निकलता भी नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन फिर सबने मुझे, मैं बिल्कुल रेडी हो गई कि अब मुझे किट्टी छोड़नी है, लेकिन उसके बाद सबने प्रेस किया, मैंने वापस ज्वाइन की। आज मेरा लेवल इतना अच्छा है कि मैं फटाफट कुछ भी बोलना होता है तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो दो ना, कॉन्फिडेंस ग्रो अप। हाँ, तो चलिए ऐसी ऐसी कोई चीज बताइए आपके पतिदेव की जो आप, जो आपकी शादी को कितने साल हो गए, 15 सालों में आपके पतिदेव की ऐसी कोई बात जो आज दिन तक आपको लगती है कि आज दिन तक नहीं बदल पाया, ऐसे कैसे है? अच्छा, जो आप चाहती थी कि यार ये तो बदल दे। हंसते बहुत कम है मेरे से। आपके पति से बोल दीजिए कि थोड़ा सा हंस। मेरे हस्बैंड हंसते बहुत कम है, कोशिश पूरी प्यार से बोलिए ना, हंसेंगे। अच्छा सुनो, तुम हंसना सीख जाओ। मेरे हस्बैंड सबसे पहले, हमारी जब एंगेजमेंट हुई थी मैं कैलकटा, तो उन्होंने मतलब सब स्टेशन पे हमसे मिलने आए थे, मैं जब गई कैलकटा एंगेजमेंट के बाद, तो हमारे ससुर साहब बहुत हंसमुख हैं, उन्होंने क्या किया उनको खाली नहीं भेजा स्टेशन पे, दुकान पे रख लिया और सबको स्टेशन सब आए मिलने, 15-20 जन, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और तब उन्होंने मैंने उनको बहुत ऐसा अजीब लगा कि देखो मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरा घर जा रहा है। उन्होंने हमारे छोटे देवर हैं उनके साथ एक गुलाब का फूल भेजा था। अरे वो गुलाब का फूल आज तक मेरे पास है। अरे वाह, बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरी लव मैरिज थी और हम दोनों, फिर तो बदल दिया होगा, कुछ नहीं बदले। सेकंड क्लास में हम साथ में थे। अरे वाह। और हाँ, फिर स्कूलिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, अलग अलग हो गए, कॉलेज अलग हो गया, फिर उसके बाद जब हम जॉब्स में आए तो फिर एक हो गए, कहीं यहाँ टकरा गए और बस ऐसा हुआ सिलसिला और फिर हमारी शादी हुई। तो एक उनकी आदत है वो अरे बोलिए, वो कई बार जैसे खाली बैठे हैं तो वो किसी ना किसी को इरिटेट करेंगे, आपके पतिदेव इरिटेट करते हैं उसको, जिसे वो पका सके। तो ये आदत आज तक उनके पति में नहीं है, थोड़ा इरिटेट कम कीजिए। हाँ, प्लीज थोड़ा कम इरिटेट करा करो। आपके पतिदेव की क्या आदत अभी तक नहीं बदली? ना वैसे तो चेंज हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बदल दिया? सास से ये बात सुनते होंगे आप, बदल दिया तूने मेरे बेटे को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले से ही मतलब बड़े शांत स्वभाव के हैं वैसे तो। आप डोमिनेंट रही हैं? हाँ मैं थोड़ा गुस्सा करती, मुझे क्या गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। बहुत स्वीट लग रही हैं आप, ऐसे ही हंसते रहती होंगे, आपके पति वैसे ही खुश हो जाते होंगे ना। बट ऐसी कोई आदत जो आज दिन तक नहीं बदल पाए? उनकी वैसे मोस्टली सारी आदतें अच्छी है, बस थोड़ा सा गुस्सा अगर कभी आता है तो वो फिर इतना आता है कि पिछली सारी कमियां पूरी हो जाती है। तो आपने क्या कोशिशें की आज दिन तक? कोशिशें नहीं, बस अब ये आदत हो गई है कि अब जब वो गुस्सा करते हैं तो हम सब शांत हो जाते हैं। ऐसा कोई वाक्य, मजेदार वाक्य जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको याद रहे? ऐसा तो अभी कुछ ही याद नहीं, अभी इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं इतने सालों में, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि ये हमें थोड़ी देर में बता दें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में
दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अड़ी रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। रोल साउंड। 134A1x1 एक्शन। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माय स्कूल। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। पहले वक्त को जाने तफ्तीश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूँ गुलदस्ता लेडीज क्लब के बीच और अब मैं खिलाने वाली हूँ कुछ चटपटे से गेम। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। सुनीता जी और संगीता जी, आप दोनों को मैं 1 मिनट दूंगी। 1 मिनट के अंदर आपको एक गेम खेलना है और एक दूसरे की कोशिश करना कि आप जीते कोशिश करें और आप दूसरे को हराएं भी, ये भी कोशिश करें, ठीक है। उस गेम में आपको, गेम का नाम छोटी मछली बड़ी मछली, बहुत फेवरेट गेम है मेरा। उसमें आपको जब मैं बोलूंगी छोटी मछली तो आपको ये रखना है और मैं बोलूंगी बड़ी मछली तो आपको ये रखना है। छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली। सुनीता जी, ये बड़ी मछली नहीं थी, ये छोटी मछली थी। आप गेम लॉस्ट हो गई, आपने गेम हार लिया। थैंक यू सो मच। और संगीता जी, आपने ये गेम जीत लिया। छोटी मछली, बड़ी मछली, 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 बड़ी मछली, छोटी। गुड नेम विनीता जी, आप हार गई हैं। और आप गीता जी, विनीता जी हारी है, गीता जी ये गेम जीत गई है। देखते हैं कि दोनों विनर्स में से कौन जीतता है। आप क्योंकि क्यों, आपको क्यों लगता है यही जीतेंगी? अच्छा, आप हमेशा जीत जाती हैं? ऐसा नहीं है, आज देखते हैं। मतलब आप जीतना नहीं चाहती? नहीं, जीतना तो चाहती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही जीतती हूँ। आप जीतना चाहती हैं या फिर जीतना चाहती हैं? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जीत जाए? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश तो नहीं कर रही है। ये होती है ना गेम स्पिरिट, बोल नहीं सकते ना, मन में जो चल रहा है उसको नहीं है बात। नहीं तो कोशिश करिए ना कि वो जितना सभी चाहते हैं ना। छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली। क्या हुआ आपको? आपने गेम लूज लिया, लेकिन आपने तो लूज किया इस गेम को, लेकिन आप जो गीता जी हैं वो जीत गई। संगीता जी आप आ गए, लेकिन गीता जी को हमारी तरफ से मिलता है जी मरुधरा की तरफ से एक प्यारा सा गुडी बैग। कंग्रेचुलेशंस रुचिका जी और आप दिव्या जी, हाँ मतलब जिनका नाम मंजू है शायद। अच्छा, दिव्या जी और रुचिका जी, आपको करना ही है 1 मिनट में डिस्कशन करना है दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बात करनी है 1 मिनट के अंदर, और कोशिश करनी है कि आप उस डिस्कशन में हाँ या नहीं का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ या नहीं आपको बोलना ही नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके सामने वाला बोल जाए, क्योंकि आपको एक को तो जीतना ही होगा गेम।
ठीक है, तो शुरू करें, एक मिनट का टाइम है इनके पास, शुरू करें रुचिगर। क्या कर रही हैं आजकल? मैं आजकल घर पर ही हूँ, ऐसा कोई काम नहीं रहता, बस थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड के साथ गार्डनिंग में हेल्प कराती हूँ। नहीं नहीं इस्तेमाल करना था ना दिव्या जी। तो आपने ये गेम नहीं जीत पाई है, लेकिन रुचिका जी ये गेम जीत गई है। आपको भी वही डिस्कशन करना है एक मिनट, और कोशिश कीजिएगा कि हाँ या नहीं का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है? शुरू कीजिए। रिंकू तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अभी फिलहाल तो इंटरव्यू में लग रहे हैं अपन। मजा आया तुम्हें टीवी के अंदर यहाँ शो में देखने में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। और क्या हाल है तुम्हारी? मजे में, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि। चलोगी तुम घूमने पिक्चर? आप लेके चलोगे तो बिल्कुल चलूंगी। चलो तो कल पिक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं अपन। 6 दिन मैं फ्री हूँ उस टाइम। इन दिनों अपनी किट्टी में कुछ नया करने की सोच रही हूँ, आपके कुछ है आइडिया? तो मैं यही सोचा था कि ये जी मरुधरा में अपन कोई प्रोग्राम दे, ताकि उसमें सब किट्टी वालों को एंजॉय कर सके, और एंजॉय के साथ में अपन जी मरुधरा का अपन उसके मेंबर के रूप में कुछ कर सके। हाँ वो बात, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। और अपन एक मिनट, हाँ हाँ बोला आपने ना, हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो हाँ आप ये गेम हार गई है। सो सैड ना, इसलिए प्रभा जी जीत गई है। बिल्कुल कॉम्पिटिशन होगा, अब ये दोनों सास और बहू है, देखिए देखते कौन भारी पड़ता है एक दूसरे पर। क्या लगता है आपको, जीतेगी कि नहीं? हाँ बहू भी जीतेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ गिफ्ट तो घर में ही आ रहा है ना, गिफ्ट तो घर में आएगा और विनर भी घर से ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट का समय आपके पास, शुरू कीजिए। रुचिका तुम कहाँ जा रही हो? आज तो किट्टी में मजे कर रहे हैं। तुमने चाय बनाई? बनाई थी ना, आपने पी नहीं? पी नहीं, मम्मी जी ने पी नहीं। नहीं नहीं आप ये गेम, सास हमेशा भारी होती है ये देखने को मिल गया आज। तो इनकी जो सास है रुचिका जी की, यानी कि जो स्नेह प्रभा जी है, वो इस गेम को जीत गई है, और इसलिए स्नेह प्रभा जी को मिलता है एक प्यारा सा गुडी बैग। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। चलिए तो यहाँ पर फिर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आके देखते हैं कि क्या कुछ मस्ती यहाँ पे होती है। जी मरुधरा लेकर आ रहा है हर घंटे जीतो कॉन्टेस्ट। बस जी मरुधरा देखो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, आसान से सवालों के आंसर दो और हर घंटे जीतो शानदार इनाम, साथ ही हर रोज 5,000 रूपए का बम्पर प्राइज। हर घंटे जीतो कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद अराइज इंडिया लिमिटेड, नियम और शर्तें लागू। यह है अराइज LED टीवी, सिर्फ स्मार्ट ही नहीं एंड्रॉइड फोन के सारे फीचर्स इसके साथ, बात खत्म। अराइज LED टीवी सिर्फ स्मार्ट नहीं एंड्रॉइड के साथ। टीवी है फोन नहीं, कान पे मत लगा। घर से बाहर निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं, और ईरा और मीरा शकीरा से कम नहीं, ये बात बुआ की स्माइल में झलकती है। तो अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जीके टायर टोटल कंट्रोल। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान, और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रदेश की हर खबर चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक JK टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। लेडीज क्लब, मैं हूँ गुलदस्ता लेडीज क्लब के साथ, और यहाँ पर अब होगी कुछ मस्ती कुछ धमाल। शुरू करते हैं स्नेह प्रभा जी के साथ, ये सुनाने वाली है मुझे एक खूबसूरत सा गाना। मैं ये गाना आपके लिए सुना रही हूँ एक तरीके। अरे आप मेरे लिए गाना सुना रही हैं, भाग्य मेरे कि मेरे लिए गाना, कम से कम कोई तो मेरे लिए गाए, सब अपने अपने हस्बैंड के लिए गाते हैं, कोई तो मेरे लिए। हस्बैंड को तो हम रोज ही सुना देते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, चलिए। बाहर बन के वो मुस्कुराए हमारे गुलशन दे, प्यास बुझी मेरी अखियन की,
घर आया मेरा परदेसी, थैंक यू। घर आया मेरा परदेसी, अब दिल तोड़ कीमती जाना, रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुम्हें मेरे बचपन की घर। चलिए मुझे परदेसी बना दिया और मेरे लिए गाना गा लिया, दैट्स रियली गुड। चंद क्यों तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा सा सॉन्ग गा रही है, मैं सुनाई देती हूँ। रिंकू जी सुनाएंगे। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर कम हो, हम हो जाते, हम कम नहीं, मैं और तुम गर कम हो जाते, इतने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर कम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर कम हो जाते, मैं और तुम गर कम हो जाते। रिंकू जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन आपने हम की जगह कम कर दिया, उसका लिरिक्स थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन आपकी भावनाएं बहुत अच्छी थी। झांझर झमके जी, बहुत अच्छा डांस किया आपने, थैंक यू सो मच। अब सारे लोग ग्रुप में कोई डांस करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया बैठे बैठे, आप सब आ जाइए, बहुत हो गया आपका। विजय लक्ष्मी जी आ जाइए।
मेरे पास समय इतना नहीं है, इसलिए इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और लेडीज क्लब से आपको कराऊंगी रूबरू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लेडीज क्लब। अब कहीं भी किस